अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने? मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए अभी तक जितना पढ़ लिया एक बार उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले अपने ने ये पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग का ही एक और नाम होता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है, ठीक है। फिर अपने ने पढ़ा था कि आखिर अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो उसका तरीका क्या है? आप वेरिएबल कॉस्ट निकालनी, यानी इसका तरीका क्या है, प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड जोड़ दीजिए। और प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। देन हम लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हमें इफेक्ट देखना है कि प्रॉफिट पे कितना होगा, किस चीज का, अगर हम वॉल्यूम में चेंज करें या आउटपुट के टाइप में चेंज करें, कैसे इफेक्ट देखेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग किसके बीच में, फिक्स कॉस्ट के या वेरिएबल कॉस्ट के बीच, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको फिक्स कॉस्ट पढ़ा दिया था कि जो फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा दिया था जो वेरी करती है। फिर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पहली वाली लाइन, इसकी भी और इसकी भी, बताओ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है और इन टोटल सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, इन टोटल चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट इन टोटल, जल्दी जल्दी बताओ, फिक्स कॉस्ट इन टोटल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे नहीं है, सही से बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर टोटल चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, कुछ भी बोल ले चेंज होती है, चलो ठीक है। फिर अपन को आज जो पढ़ना था बेटा वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट से पढ़ना था, जिसमें मैंने इतना आपको समझाने की कोशिश की थी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो ना पूरी तरीके से फिक्स्ड होती है और ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल होती, यानी उसमें फिक्स का भी एलिमेंट जुड़ा होता है और वेरिएबल का भी। मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल भी लिया था, कौन सा, ओला का एग्जाम्पल लिया था, जिससे आपको फिक्स और वेरिएबल मैंने सिखाया था। भाई फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हमें अलग अलग करना पड़ेगा जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी होगी, जब भी सेमी वेरिएबल दी होगी हमारा काम क्या होगा कि हम अलग अलग करें कि उसमें से कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। बट ये हम पता ही कैसे लगाएंगे कि आखिर जो कॉस्ट हमको दी है वो वेरिएबल दी है कि फिक्स दी है कि सेमी वेरिएबल दी है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, इसका बड़ा काम आएगा। मान लो आपको कह रहे हैं वो कि हमने फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स बनाई किसी भी प्रोडक्ट की, 10,000 यूनिट्स बनाई। सेकेंड ईयर में हमने 15,000 यूनिट्स बनाई और आपसे कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट लगता है एक्स, एक्स की कॉस्ट, मैंने जानबूझ करके एक्स नाम लिया, मैंने जानबूझ करके एक्स इसलिए लिया कि अगर मैं मान लीजिए इसकी जगह रेंट ले लेता ना, इलेक्ट्रिसिटी ले लेता, रॉ मटेरियल ले लेता, तो आप नाम से ही अलग अलग करने लगते कि ये वाला है तो वेरिएबल होगी, ये है तो फिक्स होगा, इसलिए मैंने कोई नाम ही नहीं लिया। हम लोग कॉस्ट से यानी अमाउंट से समझेंगे कि वेरिएबल दिया है कि फिक्स दिया है कि सेमी वेरिएबल दिया है। अगर वेरिएबल होगा पहले से तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिक्स्ड होगा तो भी हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं, सेमी वेरिएबल होगा तो अलग अलग करने की जरूरत है, लेकिन पता कैसे चलने वाला है, जरा समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक्स कॉस्ट पहले साल जो लगी वो 1 लाख रुपीज की लगी और सेकेंड ईयर जो लगी वो भी 1 लाख रुपीज की लगी, और आपसे कह रहे आप बताओ कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, एक्स वाली जो भी कॉस्ट है ये वेरिएबल है कि ये फिक्स्ड है कि ये सेमी वेरिएबल है, अपना दिमाग लगाओ। कह रहे पहले साल जो टोटल 10,000 यूनिट बनी उसमें टोटल एक्स का खर्चा 1 लाख रुपीज आया, दूसरे साल 15,000 यूनिट्स बनी बट टोटल एक्स यूनिट का खर्चा, एक्स का खर्चा 1 लाख रुपीज आया, तो ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है कि ये सेमी वेरिएबल है। सबसे पहले फिक्स से चलते हैं, फिक्स्ड कौन सी होती है, जो इन टोटल सेम होती है। क्या ये दोनों साल में सेम फिगर है? हाँ जी सेम फिगर है, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए, यानी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है फिक्स्ड है, समझ में आया। अच्छा एक और एग्जांपल, मान लो वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉस्ट थी वाई,
और उसकी कितनी दे रहे हैं कॉस्ट, मान लेते हैं आपसे कह रहे हैं पहले साल में लगे 20,000 रुपीज जब आपने 10,000 यूनिट्स बनाई थी, और दूसरे साल में लगी 30,000 रुपीज। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये फिक्स्ड है कि ये वेरिएबल है कि ये सेमी वेरिएबल है, पता कैसे लगाएं? सबसे पहले फिक्स से चलते हैं। क्या ये फिक्स दिख रही है आपको? फिक्स तो नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही फिक्स? अमाउंट चेंज हो रहा है, दैट मींस फिक्स तो नहीं है। अब बात आती है कि भाई वेरिएबल है कि नहीं, ये पता कैसे लगाएंगे कि वेरिएबल है कि नहीं? वेरिएबल की एक खास बात है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि फर्स्ट ईयर की भी ये वाली जो कॉस्ट है ये पर यूनिट निकाल के चेक कर ले, सेकेंड ईयर की भी पर यूनिट निकाल करके चेक कर ले। अगर सेम आई तो हम कह देंगे वेरिएबल है, और अगर सेम नहीं आई तो हम कहेंगे सेमी वेरिएबल है। फिर हम अलग अलग करके चेक करेंगे, कैसे अलग करते वो अलग बात है। पहले तो कैलकुलेटर उठाइए। फर्स्ट ईयर में आपको वाई कॉस्ट दी है 20,000, लिखिए कैलकुलेटर में 20,000, और यूनिट्स दी है 10,000। जरा बताना पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई? 20,000 डिवाइड बाई 10,000, 2 रुपीज की। ठीक है, अब इसको याद रखिए, कैलकुलेटर को फिर से जीरो करिए। ऐसे ही सेकेंड ईयर का निकालिए, सेकेंड ईयर में आपको दिया हुआ है 30,000 रुपीज, डिवाइड करिए 15,000 यूनिट से, 2 रुपीज। यानी दोनों ईयर में क्या पर यूनिट सेम आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर पर यूनिट सेम आ रहा है तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये तरीका होता है, ये पहचान होती है पता लगाने की कि आखिर वो कॉस्ट कौन सी है। अगर वो इन टोटल सेम दिखाई दे रही है आपको हर साल तो वो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन अगर इन टोटल चेंज दिखाई दे रही है तो आप पर यूनिट निकाल के चेक कर लीजिए ना, अगर पर यूनिट सेम आ रही है तो वेरिएबल है। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, वो आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने है जेड कॉस्ट, और पहले साल में आपको दे रहे हैं, कह रहे पहले साल में हुआ 10,500 रुपीज का खर्चा, और दूसरे साल में हुआ 15,500 रुपीज का खर्चा। पहले तो ये बताओ ये फिक्स्ड है कि नहीं? फिक्स तो नहीं है क्योंकि सेम अमाउंट तो नहीं है। अब चेक कर लो ये वेरिएबल है कि नहीं। कैसे चेक करना है? वही तरीका, 10,500 डिवाइड बाई 10,000। मैं भी कर लेता हूं कैलकुलेटर पे, आप भी कर लीजिए। 10,500 डिवाइड बाई 10,000 आता है 1.05। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में 15,500 डिवाइड बाई 15,000, 1.0333। क्या एग्जैक्टली सेम आया? सेम तो नहीं आया। अगर सेम नहीं आया इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। जो कॉस्ट ना फिक्स कॉस्ट हो ना ही वेरिएबल कॉस्ट हो वो होती है सेमी वेरिएबल। एग्जाम में पता लगाने का यही तरीका होता है। 99% केस में वो अपने आप अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि ये सेमी वेरिएबल है आप अलग अलग कर लेना, वो नहीं बोलेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि वो वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है। उसका सिंपल यही तरीका ही है कि दोनों अमाउंट अगर एग्जैक्टली सेम है, अलग अलग पीरियड्स के अमाउंट सेम है, टोटल अमाउंट सेम है तो फिक्स कॉस्ट। टोटल अमाउंट डिफर है बट जब आपने पर यूनिट निकाला तो दोनों ही साल का सेम आया, एग्जैक्टली सेम आया तो वो एग्जैक्टली सेम पर यूनिट आया तो वो वेरिएबल कॉस्ट। और अगर एग्जैक्टली सेम भी नहीं आया, जो इस केस में जेड यूनिट के साथ हुआ, तो ना वो फिक्स्ड है ना वो वेरिएबल है। वो कौन सी है? सेमी वेरिएबल है, जिसको कैसे अलग करते हैं आइए सीखते हैं। चलिए पढ़ा जाए सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या जिसको हम लोग सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन बिकम वेरिएबल आर नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मैंने आपको ओला का एग्जाम्पल दिया, ओला वाले ने आपसे कहा कि हम 50 रुपीज तो फिक्स्ड लेंगे ही लेंगे, प्लस जितना आप चलेंगे हर किलोमीटर के 10 रुपए। तो जो कॉस्ट एक लेवल तक फिक्स्ड रहती है उसके बाद वेरिएबल पे होना शुरू हो जाती है वो होती है सेमी वेरिएबल। इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप यूज भी करते हैं, मोबाइल फोन आप यूज करते हैं।
हालांकि अब आप तो प्रीपेड ज्यादातर लोग यूज करते हैं, पोस्टपेड मोबाइल फोन की हम बात कर रहे हैं, या फिर घर में अगर लैंडलाइन फोन हो, कभी सुना तो होगा लैंडलाइन फोन हुआ करता था, ठीक है, उसमें नॉर्मली क्या रहता था उनका स्ट्रक्चर, वो एक अमाउंट बता देते थे कि इतना रेंटल तो हर महीने आएगा ही आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर मंथ का तो रेंट आएगा ही आएगा, प्लस जितनी कॉल आप करेंगे तो 2 रुपीज पर कॉल और आएगा। 100 रुपए का रेंट तो 100 रुपए का चार्जेस यानी बिल तो आने ही वाला है, प्लस जितनी कॉल करने वाले 2 रुपए उसको और आने वाला है। मान लीजिए किसी मंथ में आपने 500 कॉल करी, 500 कॉल, मम्मी आपा घर में थे नहीं, मम्मी आपा है नहीं घर में, और आप अपना आपने अपने कॉल करी 500 कॉल कर डाली, बताओ उस महीने का बिल कितना आएगा। भाई वो कह रहे हैं 100 रुपए तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस जितनी कॉल करोगे हर कॉल का 2 रुपए और लेंगे, आपने 500 कॉल्स करी, तो भाई 500 कॉल्स का 500 × 2 = 1000, तो ये हो गया 100, उन्हें लेना ही लेना था, 1000 + 100 = 1100, यानी 1100 रुपए का बिल बैठ। अगले महीने मम्मी पापा आ गए, केवल 100 कॉल हुई, अब बिल कितना आएगा, 100 × 2 = 200 + 100 = 300, ठीक। उसके अगले महीने सभी लोग घर में थे, फोन मिलाने के लिए कुछ नहीं था, एको कॉल नहीं हुई, बिल कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। तो एक कॉस्ट आमतौर पे जो एक लेवल तक फिक्स रहती है, देन वेरिएबल होना शुरू हो जाती है, वो होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। भाई एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, तो वही ओला वाले से भी आप ले सकते हैं, डिलीवरी वैन से ले सकते हैं, या बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने फोन का भी एग्जाम्पल आपको दिया। सर अलग अलग कैसे करेंगे हम लोग, जब सेमी वेरिएबल में अलग अलग कैसे करेंगे, चलो चेक करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, अ सिंपल वे टू सेग्रीगेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। कैसे, ये किसमें से अलग अलग कर रहे हैं बेटा, जब सेमी वेरिएबल दिया होगा तो आपका काम होगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा कि आखिर वेरिएबल कितनी है और फिक्स कितनी। तरीका क्या है, यानी सबसे पहले उसमें से निकालिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमने कहा कैसे निकालें, कह रहा फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट, चेंज मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अच्छा फिर कह रहे फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट ले लेना जो भी जेड यूनिट्स है, जेड मतलब जो भी एक यूनिट की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू जेड यूनिट। हमने कहा समझ में नहीं आया, कह रहा कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है इसको करते हैं, सॉल्यूशन मत देखिएगा, सिर्फ मेरे साथ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट फॉर 500 यूनिट्स इज ₹1700 एंड फॉर 800 यूनिट्स इज ₹2600, ठीक है, कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमने कहा निकाल तो लेंगे वो अलग बात है, पहले हम लोग जरा ये चेक कर ले कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये सेमी वेरिएबल हो ही ना, ये पूरी पूरी फिक्स्ड हो या ये पूरी पूरी वेरिएबल हो, कैसे चेक करें। सबसे पहले बताओ फिक्स्ड दिख रही है क्या आपको, 500 यूनिट बनाई तो 1700 रुपए का टोटल खर्चा आया, 800 यूनिट्स बनाई तो 2600 का खर्चा आया, बताओ फिक्स्ड है क्या, क्यों फिक्स्ड नहीं है। फिक्स तो तब होती जब मैं जैसे इसमें काट रहा हूं भी सही कर दूंगा, आप मत काटना, फिक्स तो तब होती जब ऐसा लिखा होता कि 500 यूनिट बनाई तो भी 1700 रुपीज लगे, 800 यूनिट्स बनाई तो भी 1700 रुपीज लगे, तो फिक्स्ड होती, फिक्स तो नहीं है क्योंकि चेंज हो रहा है। अब मैं चेक करने वाला हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वेरिएबल हो, वेरिएबल के लिए कैसे चेक करूं मैं, पर यूनिट निकाल लूं अपने कैलकुलेटर में, कहीं लिखूंगा नहीं अपने कैलकुलेटर में, आप भी निकाल लीजिए, 1700 रुपीज डिवाइड बाई 500 यूनिट का है, यानी एक तरीके से 3.4 आ रहा है, 1700 डिवाइड बाई 500 करके देखिए 3.4 आ रहा है। दूसरा वाला चेक करते हैं, 2600 डिवाइड बाई 800, क्या ये भी 3.4 आ रहा है, नहीं नहीं ये 3.25 आ रहा है, दैट मीन्स ये वेरिएबल भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल होता तो या तो दोनों 3.4 आता या दोनों 3.25 आता, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है। अब फिर से ऊपर फॉर्मूले में चलिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। एक काम करिए जरा अपनी कॉपी निकालिए, मैं क्वेश्चन में आपको हेल्प करता जाऊंगा, सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए दिया है कि कभी बहुत अटक जाओ तो काम आ जाए, नहीं तो अपने को प्राइमा फेसी सॉल्यूशन पे नहीं जाना, ठीक है। कॉपी जरा निकालिए, अपने हाथ से सॉल्व करते रहेंगे तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा।
कॉपी में एग्जाम्पल नंबर डाल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर वन। अच्छा, इसके लिए कॉपी वगैरह रजिस्टर वगैरह तुम लोग बनाओगे क्या, कि वो एक ही में करोगे जिसमें छोटे में होता था हिंदी इंग्लिश और मैथ? होती तुम लोग में? चलती थी हम लोग में? चलती थी कैसी कॉपी होती थी? आगे हिंदी होती थी शायद, बीच में मैथ और आखिरी में इंग्लिश, ऐसा ही कुछ होता था, तीनों होते थे। एक कॉपी बना लेना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर वन, और सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। लिख लिया। चेंज इन टोटल कॉस्ट का क्या मतलब हुआ बेटा? दोनों कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। दैट इज, लिखना नेक्स्ट लाइन से, मैं भी सॉल्व करता चल रहा हूं, आपको हेल्प लेनी हो तो ले सकते हैं। यहां पे करता हूं, हाँ जी। वेरिएबल कॉस्ट क्या लिखा आपने? पर यूनिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा? चेंज इन, मैं भूल गया बताओ, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट, एक 2600 दी है और दूसरी कितनी दी है? 1700, दैट इज 2600 माइनस 1700 ऊपर आएगा, अपॉन चेंज इन यूनिट्स। 2600 वाले की यूनिट कितनी थी? 800 ना, 800, और 1700 की तो नीचे आएगा 800 माइनस 500। सॉल्व करते चलिए इसको, 2600 माइनस 1700 करो 900, ओके, डिवाइड बाय 800 माइनस 500, 300 कितना आया? 900 अपॉन 300 कितना होता है? 3 रुपीस। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई रुपीस 3 पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। किसके लिए आई है ये? 800 यूनिट्स के लिए आई है कि 500 यूनिट्स के लिए आई है? दोनों के लिए, 3 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। अगला काम है हमारा फिक्स कॉस्ट निकालना। देखो फिक्स कॉस्ट के लिए जरा समझो, फॉर्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता है टोटल कॉस्ट जो बनती है वो पता है कैसे बनती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के। टोटल कॉस्ट का मतलब ही होता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं आपसे कहूं मेरे को टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो मैं टोटल कॉस्ट में क्या माइनस कर दूं? बिल्कुल सही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यही फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। किसी भी एक टोटल कॉस्ट को लेंगे, किसी भी एक को, मतलब या तो 2600 को भी ले सकते हैं या 1700, किसी को भी ले लें आंसर सेम आएगा। चलिए अगर मैं मान लीजिए 1700 को ले लूं, तो मैं फॉर्मूला नीचे फिर से लिखता हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में मैंने 1700 ले लिया माइनस, जरा बताना एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अभी अभी आपने निकाली है कितनी आई है? 3 रुपीज आई है। एक यूनिट की 3 रुपीज है, और 500 यूनिट की कितनी होगी? क्योंकि आपने 1700 लिया, नहीं 500 यूनिट, 500 यूनिट की, 500 इंटू 3 1500, जरा सॉल्व करो, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी आएगी 1700 माइनस 1500, दैट इज 200। ये समझ में आई सभी को? नहीं आ गई समझ में? चाहे तो आप दूसरे में भी रख करके कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और आप सेकंड वाले में रख लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2600 माइनस, माइनस कितना करें? 800 इंटू 3, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 2600 माइनस 2400, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 200। समझ गए पक्का? अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं तो आप करके बता पाएंगे हैं जी? चलिए क्वेश्चन नोट करिए, कॉपी में ही नोट करिए। बोलूं, कैलकुलेट, देखिएगा, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इफ, नेक्स्ट लाइन से लिखना, कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन से,
टोटल कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स इज रुपीज 25,000. 10,000 यूनिट्स इज रुपीज 25,000 एंड फॉर 18,000 यूनिट्स इज रुपीज 41,000. ठीक करो, देखना होगा कौन सा बच्चा करके बता पाएगा. मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि 10,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट है कितने रुपए की बेटा, 25,000 की, और 18,000 यूनिट्स पे कितनी बताई है, 41,000. करो, बट करते समय पहले चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही फिक्स्ड है या अपने आप ही वेरिएबल है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, चेक करके काम करना. देखने वाली बात होगी कौन सा बच्चा सबसे पहले और सही आंसर देगा. कर लिया. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो पहले. आया किसी का आंसर? आया क्या? क्या आंसर आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 2 रुपीज आ रही सभी की, और फिक्स कॉस्ट 5,000 रुपीज. बिल्कुल सही निकाला है. चलिए मैं जल्दी से बता देता हूं, जिनका नहीं आया वो देख लें. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है चेंज इन कॉस्ट, 41,000 माइनस 25,000, चेंज इन टोटल कॉस्ट कर लिया अपॉन चेंज इन यूनिट्स, 18,000 माइनस 10,000. 41,000 में 25,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16,000, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 8,000, यानी रुपीज 2 पर यूनिट. फिर आप किसी एक में रख के देख लीजिए, किस में रख लें बताइए. टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटा देंगे. बताओ किस में रखे, 10,000 यूनिट्स में कि 18,000 यूनिट्स में? 10, चलो 10,000 में रख लेते. ओके, 10,000 यूनिट्स के हिसाब से टोटल फिक्स कॉस्ट तो निकालनी ही है. 10,000 यूनिट्स में टोटल कॉस्ट कितनी है, 25,000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 2, दैट इज 25,000 माइनस 20,000. करिए सॉल्व, 5,000 रुपीज की आपकी आएगी टोटल फिक्स कॉस्ट. आ गया समझ में? पक्का? अच्छा बताना, लास्ट टर्म पे मैंने आपको सिखाया था कि सेल में जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है. और कंट्रीब्यूशन में जब अपन माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है. वही चीज देखो मैंने आपके लिए लिख रखी है कि सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा. मिल गया ना सभी को? चलो भाई, उसके बाद अभी ये कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बारे में थोड़ा रुक के पढ़ते हैं. पहले एक एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास, इसमें आपको क्या निकालना है पढ़ते हैं जरा. कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ये दो चीज निकालनी है. डेटा क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपीज की है, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट है, टोटल यूनिट सोल्ड 50,000 यूनिट्स हैं. तो सबसे पहले कॉपी खोलिए और कॉपी में लिखिए, दो कॉलम बनाइए, एक पर्टिकुलर्स का, दूसरा अमाउंट का. एक पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट. सबसे पहले लिखिए सेल्स, पर्टिकुलर्स में लिखिए सेल्स. बताओ अमाउंट में क्या मल्टीप्लाई भाई क्या लिखोगे,
50,000 यूनिट्स बिकी हैं, हर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 है, तो अमाउंट में लिखो 50,000 × 10 यानी कितना, 5 लाख सेल्स आ जाएगी, 5 लाख रुपीज की 50,000 × 10। सेल में क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो लिखिए लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट 50,000 × 5 की दी है, बिल्कुल सही, 5 रुपीज पर यूनिट क्वेश्चन में दी है, 50,000 × 5 दैट इज 2,50,000, 50,000 × 5 वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000, 2.5 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। माइनस कर लो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल में 5 लाख में 2,50,000 की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कितना बचा, 2,50,000 बचा, 2,50,000 का कंट्रीब्यूशन। एक चीज तो कंट्रीब्यूशन पूछ रहा था वो आपके सामने है, अब कंट्रीब्यूशन में ऐसा क्या माइनस कर दें कि प्रॉफिट आ जाए, फिक्स कॉस्ट आपको दी है 50,000, तो लिखो लेस फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपीज की, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 2 लाख, वेरी गुड, पहला वाला हो गया। आ गया सभी का, ऐसे ही एग्जाम्पल 3 अपने आप करो जल्दी से बिना सॉल्यूशन देखे, दोनों चीजें इसमें भी निकालनी है आपको, कंट्रीब्यूशन भी निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट दोनों चीजें जल्दी से निकालिए। किसी को अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, आ गया समझ में, इजी है ये क्या, अच्छा इजी है, ठीक है, अभी टफ चीज कराऊंगा, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल 3 हो जाए, आंसर मिल जाए, फिर वो एग्जाम्पल 4 निकाले, लेकिन पहले एग्जाम्पल 3 करने के बाद ही एग्जाम्पल 4 करे। एग्जाम्पल 3 में कंट्रीब्यूशन कितना आया, कितना आया एग्जाम्पल 3 में कंट्रीब्यूशन, 50,000 आया होगा इस वाले एग्जाम्पल में, इसमें कंट्रीब्यूशन 50,000 आया, प्रॉफिट 0। वहां पे देखो ब्रैकेट में मैंने एक चीज लिखी हुई है, कह रहे हैं इसको बीईपी भी बोलते हैं, बीईपी क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है, यानी जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला करके बताइए, एग्जाम्पल 4 करके बताइए, एग्जाम्पल नंबर 4, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 40,000 और प्रॉफिट कितना आया, लॉस आया, प्रॉफिट नहीं आया, कितना आया 10,000, ठीक है जी। हाँ, अगर आप ध्यान से इस एग्जाम्पल 2 को 3 को और 4 को देखोगे तो तीनों में सारा डेटा कॉमन है, सिर्फ एक चीज चेंज करी है मैंने, 2, 3, 4 को कंपेयर करो, देखो क्या चीज चेंज करी है, सिर्फ यूनिट सोल्ड चेंज करी है, बाकी सेलिंग प्राइस तीनों में मैंने जानबूझ के 10 लिया है, फिक्स कॉस्ट भी उतनी है, वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी है, यूनिट सोल्ड चेंज करी है। जब यूनिट सोल्ड 50,000 होती थी जो इस केस में है तो प्रॉफिट होता था 2 लाख का, लेकिन अगर यूनिट सोल्ड 10,000 होती है तो प्रॉफिट नहीं है ना लॉस है, 0 है, और अगर 8,000 यूनिट सोल्ड है तो लॉस है 10,000। मैं आपसे केवल एक चीज पूछूंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बस मैं आपका दिमाग टेस्ट कर रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 3 आपके सामने है, इसमें 10,000 यूनिट्स अपन बेच रहे हैं तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, 10,000 यूनिट बेचने पे 0 है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। केवल एक चीज बता दूं, मैंने पढ़ाया नहीं आपको, अगर मैं 10,000 यूनिट से ज्यादा बेचूंगा
तो क्या लगता है आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर 10,000 यूनिट से कम बेचूंगा तो लॉस होगा। यही तो था 10,000 यूनिट से जो ज्यादा बेचने वाला एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल टू था, जहां मैंने 50,000 यूनिट्स बेची, प्रॉफिट हुआ। भले 11,000 यूनिट्स भी बेचता तो भी प्रॉफिट होता, 10,000 से कुछ भी ज्यादा बेचूंगा प्रॉफिट होगा। और एग्जाम्पल फोर ये था कि मैंने 10,000 यूनिट से अगर कम बेची, यहाँ पे 8,000 यूनिट बेची थी, तो अपने आप लॉस होना शुरू हो गया। यानी अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर भागते हैं तो प्रॉफिट, और ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे लॉस। एक बात और, ये रहा आपका एग्जाम्पल थ्री वापस से, जिसमें आपका ना प्रॉफिट है ना लॉस है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट है। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जरा सोच के बताना सही है कि नहीं। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा होगा, फिर से बोल रहा हूं धीमे से, कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। सही है, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। अगला, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम होगा तो लॉस होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जैक्टली इक्वल होगा तो वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट एग्जैक्टली बराबर होंगे तो ब्रेक इवन है। कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट कम है, कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट कम है, प्रॉफिट है। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, लॉस। फिक्स्ड कॉस्ट कम है, कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट कम है, प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट वही होगा जहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हो। सिर्फ बताना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश क्या होनी चाहिए कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा रहे कि कम रहे। आमतौर पर देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट तो पहले से पता होती है कि मेरी इतनी फिक्स्ड कॉस्ट है, इतना तो मैं रेंट देना ही देना है, मैनेजर की सैलरी देनी है। अब मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम माल कितना बेचे, कॉन्ट्रीब्यूशन से, कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहे फिक्स्ड कॉस्ट से कि कम रहे, ज्यादा रहे। मैंने आपको लास्ट टर्न पे ये भी बताया था कि सेल को जब वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करते, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। बट मैंने आपसे कहा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए चलते हैं वापस ऊपर, चलिएगा एग्जाम्पल टू से ऊपर। यहाँ पे एक टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन का, तो लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफरेंस होता है किसके किसके बीच का, सेल्स का और वेरिएबल कॉस्ट का। हमने कहा ये तो बच्चों को बता दिया मैंने, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का। यानी वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट, तो सेल में अगर मार्जिनल कॉस्ट माइनस कर लीजिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लीजिए एक ही बात है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, सुनिएगा, देखिए क्या लिखा है। द वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन गिवन इट्स नेम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट लिटरली कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। कह रहा कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन नाम इसलिए दिया गया, अमिताभ बच्चन नाम इसलिए नहीं दिया गया, कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। किस लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए इसलिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और अगर फिक्स कॉस्ट से भी आप आगे निकल गए, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन गिवन इन इट्स नेम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट लिटरली कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा बताना, कॉन्ट्रीब्यूशन में माइनस कर दें क्या फिक्स कॉस्ट, तो एनी अमाउंट रिमेनिंग, अगर कोई अमाउंट बचता है आफ्टर एलोकेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट में एलोकेट करने के बाद, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करने के बाद अगर कुछ बचता है पॉजिटिव फिगर तो प्रॉफिट होगा। और आपको बताया अगर नेगेटिव बचेगा तो लॉस होगा, एग्जाम्पल आपने पहले कर लिया। अच्छा ये टेबल जरा सुनो, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग यानी डिसीजन मेकिंग टूल। इस चैप्टर में आपको मैं बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले सिखाऊंगा, इजी इजी और टफ टफ में, आपको याद भी हो जाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके याद भी हो जाएंगे। लेकिन कभी अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाना, आपको यही ना समझ में कि इसमें करें कैसे, फॉर्मूला क्या लगाए, नहीं आ रहा, तो एक मैं आपको एक ऐसा टूल दे देता हूं जो हर जगह फिट हो जाएगा। आप कुछ ना करना, आप इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, जब भी कहीं फंसना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट।
और जो जो फिगर दी हो उसको भर लेना, जो जो फिगर्स दी हो उसको भर लेना, 90% है कि आपका आंसर आ जाएगा। 100% नहीं बोल रहा, 100% बोलूंगा तो फॉर्मूला सिखाने का मतलब ही नहीं है। 90% है कि आप जो अटक रहे होगे वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये दिमाग में आपके बैठ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको फिक्स कॉस्ट दे दूं और प्रॉफिट दे दूं, केवल ये दो चीजें दे दूं, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, और मैं आपसे कहूं कि इसमें से क्या निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट दे दिए, प्रॉफिट दे दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते, कैसे ऐड कर देंगे क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। बोलो हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। हाँ क्यों बोल रहे थे फिर? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है प्रॉफिट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। जाहिर सी बात है, इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, नीचे वाला पहले देखना क्या लिखा है, मैंने लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और कॉन्ट्रीब्यूशन को नॉर्मली कैसे निकालते हैं, सेल में क्या माइनस कर दें, वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इसके ऊपर देखो, मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह लिख दिया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एक ही बात है। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ इतना ही दिमाग में रखिए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। कभी भी कुछ भी दिया हो, बैलेंसिंग फिगर पूछ रहे हो, आप पुट कर लेंगे, आपका अपने आप आंसर आने लग जाएगा। तो इसको एज इट इज याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए जी, अब कुछ आगे बात करते हैं। आपने अभी अभी बताया ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। एक बात बताना, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल जितनी होगी उतनी ही टोटल कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, जितनी टोटल सेल है उतनी ही टोटल कॉस्ट होगी, तभी तो ब्रेक इवन होगा। क्योंकि अगर सेल की वैल्यू ज्यादा होगी टोटल कॉस्ट कम होगी, सेल ज्यादा होगी टोटल कॉस्ट कम होगी। टोटल कॉस्ट मैं इसको बोल रहा हूं, देखो ऐसा होता है ना बेटा, ऐसे लिख सकते हैं आप, बताना सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट होती है, दोनों मिला दे दो। अब मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि जितनी सेल है 1 लाख रुपीज की सेल, उतनी ही अगर आपकी टोटल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज के टोटल कॉस्ट, तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगर सेल ज्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट होगा, और सेल कम है टोटल कॉस्ट ज्यादा है लॉस होगा। पढ़िएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इट इज द पॉइंट एट विच टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस, टोटल सेल्स, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, टोटल सेल्स टोटल एक्सपेंस के इक्वल हो जाए, वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन। इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन फॉर द कंपनी। अगर आप ब्रेक इवन से कम बेचोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म विल मेक लॉसेस, जो सबसे आखिरी एग्जांपल आपने किया था। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा बेचोगे, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा बेचोगे, जैसे 10,000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट आया, आप बेच रहे हो 12,000 15,000 50,000, क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। व्हाइल अबव दिस पॉइंट द फर्म विल बी अर्निंग प्रॉफिट। यहां तक समझ गए? ये टॉपिक पढ़ी क्यों रहे, इससे क्या लेना देना, हम ब्रेक इवन पॉइंट क्यों जानना चाहते हैं, क्या करेंगे? हर ऑर्गेनाइजेशन अपना ब्रेक इवन पॉइंट तो निकाल के बैठती ही है, क्यों निकालती होगी? वो इसलिए निकालती है कि उसको पता होना चाहिए कि आखिर मिनिमम कितनी सेल उसको करनी ही पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। कि इतना तो मेरा 10,000 यूनिट, मान लीजिए 10,000 यूनिट का तो ब्रेक इवन है, इतनी तो कम से कम बेचनी ही पड़ेगी, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, लॉस होने लगेगा। तो इसलिए वो ब्रेक इवन निकालती कि भाई इतना मेरा ब्रेक इवन है, मेरे को इससे ज्यादा ही सेल करनी है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग CVP एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। लिखा है ब्रेक इवन एनालिसिस का एक और नाम होता है CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को मैं बोल रहा हूं प्यार से CVP एनालिसिस। नाम से अगर समझिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, तीनों चीज आ गई, कॉस्ट यानी कॉस्ट, वॉल्यूम यानी वही सेल, प्रॉफिट,
इन तीनों के बीच की रिलेशनशिप, इन तीनों के बीच का एनालिसिस हमें ब्रेक इवन एनालिसिस बताता है। तो लिखा है ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस हेल्प्स इन, किस चीज में मदद करता है, एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम प्राइजेस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग फिक्स्ड कॉस्ट एज अनचेंजेबल। क्या बोल गए, कह रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस हमें ये मदद करता है, ये मदद क्या करता है कि हम ये जान पाते हैं कि अगर हम अपनी वॉल्यूम में चेंज करें यानी सेल में चेंज करें या उसके क्वांटिटी में यानी या उसके प्राइसेस में चेंज करें या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करें तो उसका कितना इफेक्ट प्रॉफिट पे होगा। एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ इन चेंजेस का ऑन प्रॉफिट, जरा बताना आपसे मैं अगर पूछूं, मान लो मैं अपनी सेल की क्वांटिटी बढ़ाता हूं तो प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा, केवल इतना बता दो बढ़ेगा कि कम होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा। और अगर मैं अपना सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ाता हूं, ये मानते हुए कि मार्केट में डिमांड उतनी है मेरे प्रोडक्ट की, मैं अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ाऊं तो बढ़ेगा। जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी आम तौर पे बहुत ज्यादा डिमांड कम नहीं होती भले ही सेलिंग प्राइस बढ़ा दे, जैसे बच्चे कह रहे मैगी, जैसे मिल्क हो गया। अब मिल्क वाले 1-2 रुपए 3 रुपए कर करके बढ़ा बढ़ा के कहां तक पहुंच रहे, लेकिन मिल्क तो आएगा ही, जल्दी डिमांड में फ्लक्चुएशन नहीं आता। हाँ कुछ लोग थोड़ा कम मंगाना शुरू कर देंगे जिनके 2 लीटर आओगे, चलो 1.5 में काम चलाएंगे बाकी पानी पिलाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बल्क लेवल पे डिमांड में जल्दी चेंज नहीं आएगा। तो भाई वॉल्यूम यानी आप बढ़ाएंगे क्वांटिटी तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ाएंगे मानते हुए कि क्वांटिटी नहीं गिर रही तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट अगर आपने कम करी तो क्या होगा। पहले तो वेरिएबल कॉस्ट कम कैसे हो सकती है, यूनिट्स कम बनाए, अच्छा नहीं फिर तो गलत हो जाएगा, यूनिट्स कम बनाएंगे कम बेचेंगे तो आप अपने स्केल को कम कर रहे हो, ये तो उसी बराबर हो गया कि आपकी कैपेसिटी है दिन भर में 4 चैप्टर पढ़ने की, आप पढ़ रहे हैं आधा चैप्टर, नहीं वो नहीं करना। यूनिट्स तो हमें कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा बना के बेचने की, वेरिएबल कॉस्ट कम करने का मतलब ये है कि पहले मान लो इस पेन को बनाने में 5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती थी, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि 4 रुपए में कैसे काम हो जाए, कैसे वेरिएबल कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। आज की तारीख में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने R&D डिपार्टमेंट इसी चीज पे चलाती है कि कॉस्टिंग कैसे कम हो सकती है, क्योंकि देखिए अब कॉम्पिटिशन का जमाना है, हर एक सेक्टर में, क्या कोई सेक्टर आप ले लीजिए, हर जगह कॉम्पिटिशन है। और कंज्यूमर जो है वो बड़ा समझदार हो गया, कंज्यूमर है वो हमारे जमाने वाला पहले वाला नहीं बचा, अब वो आपके जमाने वाला है, वो 4 बार गूगल करेगा, है ना, होता ही है, आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं आप क्या करते हैं गूगल करते हैं, ऑनलाइन तो इतने कम लगे, हर एक प्रोडक्ट हो चाहे किसी भी तरीके के सेक्टर की बात कर ले कॉम्पिटिशन बहुत है, जब कॉम्पिटिशन बहुत है तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकते जल्दी, तो अल्टीमेटली आपको फोकस करना पड़ेगा कि सेम क्वालिटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कम वेरिएबल कॉस्ट में। तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके, जैसे आप चॉकलेट खाते हैं डेयरी मिल्क खाते हैं, तो पहले जब चॉकलेट आती थी तो उसमें एक अंदर गोल्डन कलर की फॉइल होती थी, आजकल भी आती है वो सिल्क वगैरह में आती है, गरीब लोग जो खाते हैं 20-25 रुपए वाली उसमें नहीं आती, उसमें अब डायरेक्टली आप खोले तो डायरेक्टली चॉकलेट निकलती है, तो कंपनी को समझ में आया ना कंपनी के लिए इस फॉइल की क्या जरूरत फालतू की, फॉइल हटाओ कंपनी की क्या बचेगी, अल्टीमेटली कॉस्टिंग बचेगी, वेरिएबल कॉस्ट कम हो। या आप चेक करिए कि आप जो मटेरियल खरीद रहे हैं वो कहीं और से खरीद सकते हैं क्या बल्क में, हो सकता है आप जो भी खरीद रहे हो वो कहीं और से खरीदे तो 1-2 रुपए सस्ता ही मिल जाए। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, या फिर वेस्टेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी वेस्टेज होती है, स्क्रैप निकलता है, प्रोडक्शन होने के साथ साथ वेस्टेज भी होती है, आप कोशिश करिए कि आपकी वेस्टेज कम से कम हो जाए, वेस्टेज कम से कम होगी आउटपुट ज्यादा निकलेगा अपने आप ही कॉस्टिंग कम होगी, तो खैर वेरिएबल कॉस्ट कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके अच्छा फिक्स कॉस्ट वैसे चेंज हो सकती है क्या, आमतौर पर तो मैंने आपको यही सिखाया चेंज नहीं होती, आपको भी यही पढ़ना है कि चेंज नहीं होती तभी चैप्टर समझाएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली अगर आपको ज्ञान दूं तो क्या चेंज हो सकती है, क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी फैक्ट्री में 4 मैनेजर आपने रखे हुए, आपको लग रहा है 2 से ही काम चल जाएगा तो 2 को निकाल कॉस्ट बचेगी। या अभी कोविड काल में कोरोना काल में बहुत सारी कंपनीज ने एमएनसीज ने क्या किया, जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया तो बहुत कंपनीज को बड़ी मजा आई, उन्होंने कहा 2-3 साल तो वर्क फ्रॉम होम चलना है, तो बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया अपना ऑफिस जो लेट आउट कर रखा था मतलब रेंट पे ले रखा था उसको छोड़ दिया,
लाखों रुपए का रेंट बच रहा है। अब बहुत सारी कंपनीज को मजा आ रहा है, वर्क फ्रॉम होम अच्छा है, इसमें बत्ती पंखा भी तो एम्प्लॉय अपना लगा रहा है, बहुत सी कंपनी तो इंटरनेट का भी रिइंबर्समेंट नहीं करती वो भी अपना लगा रहे हो, कैब का खर्चा बच रहा है, करीब वो बढ़िया ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो में सर्वाइव कर रहे हैं। चलिए जी, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब समझ लिया, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट आखिर निकलता कैसे है? ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है। आपका पेपर एमसीक्यू है तो आपसे अगर चाहे वो एल्जेब्रिक मेथड पूछे चाहे वो ग्राफिकल मेथड पूछे, आप करिएगा एल्जेब्रिक मेथड से ही, ग्राफ बनाने को नहीं आएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा बना के समझाया हुआ है कि आखिर देखने में समझ में आ जाए कि आखिर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे होता है। एल्जेब्रिक मेथड मतलब फॉर्मूला बेस्ड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच। अच्छा, ये मेथड किस बेसिस पे है? कॉन्ट्रीब्यूशन से निकलता है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन को हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। ओके, अभी देखेंगे कैसे करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रोस, बहुत ध्यान से लाइन पढ़ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रोस अलोंग विद द सेल रेवेन्यू। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा उतना अच्छा कि जितना कम हो? जितना ज्यादा, और जैसे सेल बढ़ेगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रोज अलोंग विद द सेल रेवेन्यू टिल द टाइम इट जस्ट कवर द फिक्स कॉस्ट। एक वो समय आएगा, देखिए मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मान लीजिए ये मेरा फिक्स कॉस्ट का हाथ है जो बिल्कुल सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन का हाथ है। अब मैं धीमे धीमे जब सेल बढ़ाऊंगा तो धीमे धीमे क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन इसके बराबर होगा वो जो सेल की फिगर होगी वही होगी ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जब आपने एग्जाम्पल एक किया था जिसमें 10,000 यूनिट बिक रही थी तो कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो गया था। और फिर अगर मैं और कोशिश करके अपनी सेल बढ़ाता रहूं तो वो जो समय आएगा वो पार्टी करने का समय आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आ जाएगा। यही बात लिखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रो करता है, बढ़ता है अलोंग विद द सेल रेवेन्यू टिल द टाइम इट जस्ट कवर द फिक्स दिस पॉइंट व्हेन वेयर द फर्म इनकर्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मुले जब याद करते हैं तो कहीं नोट डाउन कर लेते हैं डायरी वायरी में। आप लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं, चलो अच्छी बात है। जो करते हैं उनके लिए ध्यान से, कुछ बच्चे क्या करते हैं नोट करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और ये याद करके चले जाते हैं। पूरी बात लिखो, मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर होते हैं। मैंने क्या लिखा है? एट ब्रेक इवन पॉइंट पे कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। हमेशा बराबर होगा तो फिर फायदा ही क्या बिजनेस करने का? तो कॉन्ट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन जब कम होगा तो लॉस होगा। ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं, सर आपने तो कहा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर आएगा। हमने कहा, हमने कब कहा था? सर रुकिए, मेरे पास नोट्स हैं आपके, हम पिक भेजते हैं आपको। हमने भेजो बेटा, कह रहे सर ये देखिए। तो बेटा ये लिखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला जरा देखते हैं कि आखिर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट या तो इन यूनिट्स निकलता है या इन रूपीज, यानी जिसको वैल्यू भी कहते हैं। पहले मैं आपको यूनिट सिखा दूं आज की क्लास में। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या लिखा है फॉर्मूला? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ले लीजिए उसको डिवाइड किससे कर दीजिए? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी आपके लिए मैं लिख दूं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन आपके लिए लिख देता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के लिए यानी टोटल फिक्स कॉस्ट ले लेना और डिवाइड करना है अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट पीयू पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पीयू पर यूनिट। तो जब आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर देते हैं तो अपने आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। एक क्वेश्चन देखेंगे आज, बाकी फॉर्मूला बाद में करेंगे, पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखिएगा। लिखा है एबीसी लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट इनकरिंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 300 पर यूनिट
फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख. इफ द प्रोडक्ट सेल फॉर रुपीज 500 पर यूनिट, 500 क्या चीज दी हुई है, सेलिंग प्राइस. कैलकुलेट करना है अपने को ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में और रुपीज में. रुपीज में अभी मैंने सिखाया नहीं, यूनिट्स में मैंने सिखाया है. क्या फॉर्मूला लगाएंगे यूनिट्स में निकालने के लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. बस इतना करके मेरे को बता दो, कॉपी में नोट करके इतना करके बता दो आज के लिए. टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दी है 2 लाख अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. निकाल लो, कैलकुलेटर की मदद लेनी हो तो वो भी आप ले सकते हो. फाइव हंड्रेड में से क्या माइनस करने वाले हैं, 300. 500 माइनस 300 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 200. अब आप क्या करिए, 2 लाख रुपीज की फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई 200 रुपीज. 2 लाख डिवाइड बाई 200 कितना आएगा, 1000. यूनिट्स में आया कि रुपीज में आया, यूनिट्स में आया. तो लिख लेना यूनिट जरूर, उसके आगे लिख देना कि आप कह रहे हैं कि आ गया है 1000 यूनिट. बिल्कुल सही आप आंसर बता रहे हैं. एक और क्वेश्चन कर दीजिए, अच्छा इसमें भी यही कर दीजिए बस. एग्जाम्पल 6 में ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में बस निकाल के बता दीजिए कितना आएगा. अच्छा कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. 10,000 यूनिट, वेरी गुड. आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन आपका एक होमवर्क है. होमवर्क ये है, बताओ क्या होमवर्क होगा. आपको कैसे पता होगा क्या होमवर्क होगा, आपको ये जो ब्रेक इवन पॉइंट के कुछ और फॉर्मूले जो मेरे को नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करने हैं, आपको ये रीड करके आने. और अगर आपको लगता है कि आप रीड करके थोड़ा बहुत समझ गए, अगर अंदर से ऐसी फीलिंग आ जाए आपके, तो फिर भाई इन्हीं दोनों क्वेश्चन में रुपीज में भी पूछा गया है, उसको जरा कोशिश करना, नहीं तो मैं तो कराऊंगा. ठीक है, थैंक यू.